जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में सिविलियन ड्राइवर की भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, परंतु दोस्तों आपके बीच कई सारे डाउट थे, इस वीडियो में सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। कहाँ से फॉर्म बना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन सा लाइसेंस रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक दोस्तों एग्जाम आपका होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके बाद भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी सिविलियन ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, 1 अगस्त से हमारे ऑनलाइन बेस शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको ऑनलाइन बेच मिल जाएगा, लाइव क्लासेज मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन जुड़कर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप इंडियन नेवी के ड्राइवर की, साथ में दोस्तों ITBP ड्राइवर, DRO ड्राइवर या दोस्तों किसी भी अदर ड्राइविंग जो भर्तियां होती हैं उनकी ऑफलाइन तैयारी आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों माइंड एग्जाम डिफेंस अकेडमी सीकर राजस्थान, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवा दी है, उन पर कॉल करके फीस वगैरह की जानकारी भी आप हमसे लेकर तैयारी कर सकते हैं। चले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम देख लेते हैं। दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म आपको कहां से अप्लाई करना है। मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप खुद से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या दोस्तों कहीं से आप इमितर रोजगार सेंटर से भी आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो सिविलियन की वेबसाइट है, जो जॉइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट की सिविलियन की वेबसाइट है, इस पर दोस्तों जो आपका INCET 01/2024 का नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका है वो एडवर्टीजमेंट यहाँ ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपका एक नया पेज ओपन होगा, जिस पर अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोस्तों आप है वो यहाँ लॉगिन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप न्यू यूजर हैं तो दोस्तों यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से एडवर्टीजमेंट दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसी पेज का आपको लिंक दे दूंगा और आपको सारी डिटेल है वो यहाँ से मिल जाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती के नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, सैलरी दोस्तों बहुत अच्छी खासी आपकी है। इसमें कई सारी पोस्ट ग्रुप बी की है, कई सारी पोस्ट आपकी ग्रुप सी की भी हैं, तो सभी पोस्ट के बारे में डिटेल से हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो आपके काम की वैकेंसी है वो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ जो आपके काम की वैकेंसी है वो है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि फायर, तो फायर के लिए आपको फायर का डिप्लोमा होना जरूरी है, तो अगर वो है तो आप ये वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं, जिसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 444 वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ दोस्तों जो आपकी काम की वैकेंसी है वो ये वाली वैकेंसी है, जो है इसमें आपको साफ और क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका फायर इंजन ड्राइवर, जी हाँ साथियों फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, टोटल आपकी 58 वैकेंसी है। अलग अलग दोस्तों इसकी कमांड है जिसमें आपकी वैकेंसी है, वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर वैकेंसी है 11 है, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर 31 वैकेंसी है, अंडमान एंड दोस्तों निकोबार कमांड के अंदर है वो 16 वैकेंसी है, टोटल आपकी वैकेंसी 58 है। जनरल की 28 वैकेंसी, SC की 7, ST की 4, OBC की 14 और EWS की 5 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूं इस भर्ती के जो ऑनलाइन फॉर्म है साथियों, वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 अगस्त 2024 तक इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इसके बाद इसकी बाकी की डिटेल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बाकी की डिटेल है वो क्या रहने वाली है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं इसकी बाकी की डिटेल के बारे में, तो दोस्तों यहां कई सारी जो आपकी चीजें हैं उनके बारे में, यहां जो फायरमैन ड्राइवर है उसके लिए भी सारी जो मेडिकल जो आपके पॉइंट है, मेडिकल जो मापदंड है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन दोस्तों एयरफोर्स में रहते हैं वही दोस्तों आपके रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया दोस्तों इसका 18 साल से शुरू होता है, बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूं। दोस्तों ये रहा फायर इंजन ड्राइवर, दोस्तों जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 27 साल रहने वाली है, 18 से लेकर 27 साल जनरल वालों के लिए रहेगी, आपका EWS वालों के लिए रहेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो 30 साल है, SC ST कैटेगरी की दोस्तों 32 साल आपकी एज रहने वाली है, जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। साथ में दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या रहने वाला है, कौन से लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसके बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा। यहां दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है
उसके बारे में डिटेल से अगर बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर, यहाँ आप देख सकते हैं फायर इंजन ड्राइवर। और दोस्तों इसमें अगर आप 12th पास होने चाहिए, 10th पास वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें आप 12th पास होने चाहिए और साथ में दोस्तों मस्ट प्रोसेस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका होना चाहिए दोस्तों। 12th पास प्लस आपके पास HMV व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, HMV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो ट्रांस लिखा होता है वो वाला लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों आपकी 165 सेंटीमीटर है विदाउट आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी दोस्तों हाइट भी इसमें कम है। चेस्ट आपका 81.5 कम से कम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर यानी दोस्तों लगभग 5 नहीं आपका 3.5 सेंटीमीटर है, यानी दोस्तों 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। आई स्लाइड आपकी 6x6 होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इंडोरेंस टेस्ट भी आप देखेंगे। इंडोरेंस टेस्ट की मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों इंडोरेंस टेस्ट में है कैरिंग ए पर्सन फायर में लिफ्ट, आपका 63.5 किलोग्राम का आपको वेट भी है वो आपको कैरी करना है। ये दोस्तों आपकी बाकी की चीजें रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आगे हम इसकी भर्ती की बात कर लेते हैं कि इसमें काम क्या रहने वाला है। दोस्तों काम है वो है फायर इंजन ड्राइवर है, ड्राइव टू फायर इंजन टू इमरजेंसी सीन्स। लोकेशन आपको मैक्सिमम बात कर लेते हैं कि आपको गाड़ी चलानी है, बाकी की जो चीजें हैं वो आपको वहां ट्रेनिंग के दौरान है वो गाइड आपको की जाएगी। इसके साथ दोस्तों हम बाकी की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो बाकी की चीजें आपकी रहने वाली है उसके बारे में अगर मैं डिटेल से बात करूं तो आपका यहां जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ 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 आपका है वो मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया है। और इसके साथ जो आपकी सारी चीजें रहने वाली है, चाहे वो आपका लाइसेंस हो चाहे आपका एज हो, वो क्रिशियल डेट है दोस्तों 2 अगस्त तक ही वैलिड होगी। सारी चीजें हैं वो 2 अगस्त तक ही आपकी वैलिड होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपकी जो एज क्राइटेरिया है प्लस दोस्तों जो आपका सेकेंडरी है दोस्तों, आप 10th पास हैं जो बढ़ते हैं 10th पास के लिए है, जो 12th पास के लिए है वो आपकी है ये रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ दोस्तों OBC SC ST और दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है EWS का वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, जिसके लिए 195 आपका है वो यहाँ फीस लगने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटी आपके लगभग सभी राज्यों के अंदर होगी। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ तो पहले आपकी है जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम में दोस्तों क्या क्या सिलेबस आपका रहेगा, रिटर्न एग्जाम में दोस्तों रहेगा जनरल इंटेलिजेंस या दोस्तों रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस यानी दोस्तों 25 नंबर की आपका GK रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी दोस्तों आपका 25 नंबर का यहां मैथ्स रहने वाला है और 25 नंबर का दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। 90 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके लिए 90 मिनट का आपको समय है वो साथियों दिया जाएगा। यानी जो सिलेबस आपका SSC GD वगैरह का रहता है वही सिलेबस रहेगा। इसके बाद दोस्तों है टॉपिक वाइज सिलेबस भी यहाँ प्रोवाइड करवाया गया है कि आपका कौन से टॉपिक है वो कौन से सब्जेक्ट में रहेंगे, ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन है। इसके बाद दोस्तों है ये जो फायर एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए है वो अलग से सिलेबस है, इनके लिए सिलेबस के थोड़े टॉपिक आपके कम रहने वाले हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे की चीजों के बारे में। हर जो पोस्ट है उसके लिए सिलेबस आपका अलग रहेगा, यानी सभी के लिए है वो आपका सिलेबस में बदलाव है। तो ये सारी चीजें आपकी होने वाली है। और दोस्तों मेडिकल स्टैंड मैंने आपको बता दिया है, ट्रेड टेस्ट है वो ड्राइवर का होने वाला है। और जो ऑनलाइन फॉर्म है साथियों, दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके है ओपनिंग द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो शुरू हो चुका है 20 जुलाई 2024 से है, वो 2 अगस्त है वो 2024 तक है वो फॉर्म आपके भरे जाएंगे, फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से आपको कहाँ जाना है, जो ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद दोस्तों ज्वाइन नेवी की आपको पोर्टल जो पॉइंट है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद वे टू ज्वाइन में सिविलियन पर क्लिक करना है, उसके बाद NINCET 01/2024 पर आपको क्लिक करके है वो कंप्लीट फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म आपको केयरफुली सबमिट करना है क्योंकि एक बार जो भी आप डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद कोई भी बदलाव आपको नहीं होगा। उसमें फोटो वगैरह है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो सारे आपको अपलोड करने होंगे और उसी के बाद आप फॉर्म है वो यहाँ भर पाएंगे। इसके बाद है वो और भी इसमें जानकारी दी गई है, फॉर्म भरते टाइम आपके सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों है वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप यहाँ इसमें सबमिट करेंगे वही आपको है वो लेके जाना है, प्लस आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट के बारे में जानकारी दी गई है। कुल मिला के कहूँ तो दोस्तों ये ऐसी भर्तियाँ होती है जिसमें आपका कंपटीशन काफ़ी कम होता है,
तो अगर आप भी ज्वाइन इंडियन आर्मी सॉरी ज्वाइन नेवी करना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आज 27 तारीख हो चुकी है, तो अभी 2 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एंड टाइम लास्ट टाइम फॉर्म आपके सबमिट नहीं होते हैं, तो आज ही और अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतरीन मौका है वो ड्राइवर में भर्ती होने का आपके पास है। और दोस्तों इसके लिए ऑफलाइन तैयारी और ऑनलाइन तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी के लिए माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन तैयारी के लिए माइंड एग्जाम डिफेंस एकेडमी सीख कर राजस्थान इसके कॉन्टैक्ट नंबर 9413819176 रहने वाले हैं, जिस पर कॉन्टैक्ट करके फीस वगैरह और बैच वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में साथ ही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।